रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह अपने कार्यालय से जब बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों की भीड़ देखकर उनके पास पहुंचे और उनके आने का कारण पूछा, जिस पर ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य लोहर सिंह गांव में किया, परंतु आज पर्यंत तक उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं की गई है। कलेक्टर भीम सिंह ने मजदूरों की समस्या सुनी और तत्काल वहां उपस्थित जिला पंचायत सीईओ को इस मामले की जांच के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कल एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब लोहर सिंह गांव के दर्जनों मजदूरों को कलेक्टर भीम सिंह ने कहा अब दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह अपने कार्यालय से जब बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों की भीड़ देखी। दर्जनों लोगों को एक साथ देखकर वह उनके पास पहुंचे और लोगों से उनके आने का कारण पूछा। ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य लोहर सिंह गांव में किया था, परंतु आज पर्यंत तक उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं की गई। कलेक्टर भीम सिंह ने मजदूरों की समस्या सुनी और तत्काल वहां उपस्थित जिला पंचायत सीईओ को इस मामले की जांच के निर्देश दिए। इस दौरान रायगढ़ कलेक्टर ने गांव वालों को कहा आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जाइए, अब आपको दोबारा यहां आना नहीं पड़ेगा। यह वाक्य इस बात को प्रमाणित करता है कि आईएस भीम सिंह अपने दायित्वों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग महीनों सालों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और उन्हें बार बार निराश ही हाथ लगती है। जैसे आश्वासन आज लोहर सिंह गांव के मजदूरों को मिला, ऐसा आश्वासन मिलना कि किसी समस्या का तत्काल निराकरण हो जाए और आवेदक को दोबारा अपनी गुहार लेकर न आना पड़े, यह एक जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ व कुशल नेतृत्वकर्ता अधिकारी की कार्यशैली को दर्शाता है। बताना चाहेंगे कि जनदर्शन में भी रायगढ़ कलेक्टर अधिकतर आवेदनों का त्वरित निराकरण करते देखे गए हैं। जिले के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि जिलाधीश अपने कार्यालयीन कार्यों के साथ साथ आम जनता की शिकायतों के निराकरण भी कितनी तत्परता दिखाते हैं। बहरहाल आज लोहर सिंह के मजदूर इस बात से काफी खुश नजर आए। उन्होंने जिला कलेक्टर का आभार व्यक्त किया और इस बात से आश्वस्त होकर गए कि अब उन्हें फिर से कलेक्टर से शिकायत करने नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं। मनरेगा में काम करे, नौकर पैसा नहीं मिली से। कहां काम का चलत थी? तालाब गहरीकरण। तो का थी साहब? साहब बन जही और तुम लाइन लग की से माटी बोहे हन ते कर समझ पैसा नहीं मिले है। कैसे नहीं मिली से पेमेंट अभी तक? 2 साल हो गई से नहीं मिली से। का कथे साहब मन वहां तुम खाता में डाल दे हन पैसा कथे, लेकिन खाता में नहीं आई से पैसा। साहब कने आया तो साहब का के साहब बन जही तो कहीं से आपका लेटर साहब की से। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।